हाई एवरीवान नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टी बी से कैसे बच सकते हैं क्योंकि मुझे दो तीन कमेंट्स ऐसे आए हैं जहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि टी बी से कैसे बच सकते हैं इस पर वीडियो बनाओ टी बी से बचने के ऊपर वीडियो बनाओ तो आज हम बात करेंगे कि टी बी से कैसे बच सकते हैं और अगर आपके घर में टी बी का पेशेंट है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आपको भी टी बी ना हो क्योंकि टी बी जो है एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है तो अगर आपके घर में आपके सराउंडिंग में टीबी पेशेंट है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे आपको टीबी ना हो तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम हाई माई नेम इज़ आरती आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज या स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबर बिकॉज आई एम ऑल्सो ब्रेन एंड स्पाइन टीबी पेशेंट एंड आई शेयर वीडियोज ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल सो वीडियो को स्टार्ट करता है तो so, टी वी जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबोकिलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है ये मोस्टली इंसान के लंग्स को अफेक्ट करता है और अगर किसी को लंग्स में टीबी है तो ये टीबी स्प्रेड होती है एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती है अगर आपको लंग्स टीबी है तो तो टीबी में जो है अगर आप किसी को पेशेंट को लंग्स टीबी है तो वो लंग्स टीबी आपके फैमिली में फैल सकता है लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होता है लंग्स टीबी पल्मोनरी टीबी हो गया अब जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है जो लंग्स के बाहर होते है जैसे ब्रेन में हो गया स्पाइनल कॉर्ड में हो गया एबडमिन में हो गया लिम्फ नोड्स में हो गया बोन में हो गया तो ये जो एक्स्ट्रा पलमेरी टीबी है जैसे ब्रेन टीबी स्पाइन टीबी एबडमिन टीबी बोन टीबी ये नहीं फैलता है तो इसके पेशेंट के साथ में आपको इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर किसी को लंग्स टीबी है तो लंग्स टीबी एक इंसान जो लंग्स टीबी का पेशेंट है उसके छींकने खांसने से फैलता है जब वो किसी के बहुत पास जाके छींकते हैं खांसते हैं तो उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट है, उससे फैलता है तो तो लंग्स टीबी के के पेशेंट फैमिली को क्या-क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए आज हम उसके बारे में में बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आपके घर में किसी टी टीबी डायग्नोस हुआ है तो सबसे पहली बात तो किसी को टी का सिम्टम भी है तो उनको आप डॉक्टर को का खतरा कम होता है अगर एक टीबी का पेशेंट है उनको जब तक उनको पता चलता है कि उनको टीबी है तब तक दूसरे लोगों में भी वो स्प्रेड हो चुका होता है तो सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए टीबी पेशेंट का तो अगर टीबी के पेशेंट आपके घर में किसी को टीबी के लक्षण है तीन चार हफ्ते से ज़्यादा खांसी है दो हफ्ते से ज़्यादा खांसी है आपको बल्बगम में वो निकल रहा है ब्लड निकल रहा है बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है ऐसी चीज़ें सिम्टम्स हो रही है तो आपको इमिडिएटली आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए जितना जल्दी पेशेंट का डायग्नोसिस होगा टीबी जितना जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना ही स्प्रेड का खतरा कम होता है सो अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है अगर पेशेंट को सही टाइम पे डायग्नोसिस होता है उसका इलाज शुरू होता है तो एक महीने बाद से स्प्रेड का खतरा भी कम होता है तो सेकेंड जो है प्रिकॉशन आपको क्या लेना है कि अगर आप पेशेंट के पास में जा रहे हैं पेशेंट के पास में बैठ रहे हैं तो आप मास्क लगाइए लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि प्रिकॉशन लेना है करते करते पेशेंट को बहुत ज़्यादा दूर कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा उनको अलग से अकेले रख देते हैं ऐसा नहीं करना है क्योंकि टीबी कैसे फैलता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो पेशेंट को छूने से हक करने से टीबी नहीं फैलता है तो आपको बस आप जब पेशेंट के पास जाएँ तो आप मास्क लगा के जाएँ और अगर घर पे कोई बच्चे है और छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को एटलीस्ट पेशेंट से पंद्रह बीस दिन के लिए दूर रखिए या फिर जब अगर इंपॉर्टेंट ही है बच्चे के पास जाना ही है तो आप पेशेंट और बच्चा जो है दोनों मास्क लगाए नहीं तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा दूर रह सकता है तो एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज़ बच्चों को पेशेंट से दूर रखिए क्योंकि अगर बच्चों में टीवी आ गया तो उनका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और हम लोग जो बड़े लोग हैं हम लोगों को तो टीवी ट्रीटमेंट करना कितना मुश्किल होता है मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट फिर बच्चों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो बच्चों को एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज या फिर एक महीने तक पेशेंट से दूर रखिए और टी पेशेंट जो है वो भी जब भी किसी के पास जाए क्लोज जाए तो वो मास्क लगाए जब पेशेंट अकेले होते हैं तो मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप किसी के पास जाते हैं तो मास्क लगाए और कभी भी आप पब्लिक प्लेस पे क्राउड में कभी भी कफिंग नहीं करें और आप क्राउड में जाए ही ना जो पेशेंट है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट वन टू टू मंथ्स आप घर पे रहिए ज्यादा पब्लिक प्लेस पे ग्राउंड में मत जाइए और बाहर जो है कफ नहीं करें जब भी आप कफ करें तो एक आपके पास एक एक कपड़ा होना चाहिए उसमें आप कफ करके उसको अच्छे से डिस्पोज कर सकते हैं कहीं पर भी कफ नहीं करना चाहिए तो पेशेंट को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो किसी के पास जाए तो मास्क लगाए और अगर उनको कफिंग करना है स्नीजिंग करना है तो हमेशा एक कपड़ा या फिर एक हैंक चीव अपने पास रखें तो टीबी डायग्नोज होकर ट्रीटमेंट शुरू होने के एक महीने जो है फर्स्ट मंथ उसमें थोड़ा ज्यादा प्रकॉशन लेना चाहिए और पेशेंट भी अगर किसी के कॉन्टेक्ट में जाए तो मास्क लगाए किसी के पास जाए तो और जो दूसरा पर्सन है वो भी मास्क लगाए गुड वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के रूम में विंडोज डोर डोर ओपन रहना चाहिए अगर क्लोज करते हैं तो भी विंडो को ओपन रखिए ताकि बाहर से अच्छी हवा आए पेशेंट अगर रूम में ही रहते हैं बेड रिडन है तो भी आप दरवाजा खिड़की बंद करके मत रखिए खिड़की हमेशा खुला रखिए ताकि बाहर से जो है फ्रेश एयर आ सके और अगर पेशेंट चलने की हालत में है वो बाहर हाँ जाके बैठ सकते हैं चल सकते हैं तो घर के आग, आग। आगे जो आंगन होता है वहाँ पे आप बैठ सकते हैं ये तो बालकनी में बैठ सकते हैं पेशेंट को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे फ्रेश एयर आता हो और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उसको बीसीजी वैक्सीन ज़रूर लगाएं वैसे तो सभी बच्चों को बी वैक्सीन लगता ही है एक ही टाइम पर फिर भी आप मेक श्योर sure करें कि आपके बच्चे को बी वैक्सीन लगी हो बी वैक्सीन जो है वो बच्चों को डिसमिनेटेड टी से प्रोटेक्ट करता है और ये लाइफ टाइम प्रोटेक्शन तो नहीं देता है टी से लेकिन काफ़ी हद तक टीबी से प्रोटेक्ट करता है तो बच्चों को हर एक बच्चे को बीसीजी वैक्सीन लगनी चाहिए तो आप भी ये मेक श्योर sure करें कि आपके घर में अगर कोई बेबी है तो उनको बीसीजी वैक्सीन लगी हो अब ये हो गए प्रिकॉशंस उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना डाइट अच्छे से मेनटेन करें अगर आपके घर में कोई टी का पेशेंट है और अगर आपके सराउंडिंग में भी टी का पेशेंट नहीं है तो भी टी से बचने का अच्छा तरीका यह है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए तो टीबी का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अगर आ भी जाता है तो वो तभी एक्टिव होता है जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है आप तो अगर टीबी के बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ भी गया है तो वो जब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तभी वो अटैक करता है जैसे कोविड के टाइम हम सबकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बहुत लो हो गई थी तो उस टाइम टीबी बहुत लो को हुआ। तो आपकी जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग रहनी चाहिए आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड आइटम्स खा सकते हैं मेरे चैनल पर वीडियो है फूड जो इम्यूनिटी बढ़ाए उस पर फिर वीडियो है टीबी कैसे फैलता है उस पर क्योंकि बहुत लोगों को बहुत मिसकसेप्शन है कुछ लोग सोचते हैं कि टीबी छूने से फैलता है टच करने से फैलता है हक करने से फैलता है बट ऐसा नहीं है तो आप लोग जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए हल्दी दूध पीजिए या फिर जो काढ़ा होता है इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छा काढ़ा होता है आप अगर ऑर्गेनिक हल्दी जिंजर ये सब यूज करके पियेंगे तो बहुत अच्छा होता है उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है तो आप लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए तो बेसिक जो है प्रिकॉशंस आपको यही लेना है फिर से मैं रिवाइज करके बोल देती हूँ आपको अगर आपके घर में अगर किसी को टीबी है तो आप उनके पास जाए तो मास्क लगा के जाए और जो टीबी का पेशेंट है उनको भी मास्क लगाना चाहिए उनके पास हमेशा एक कपड़ा होना चाहिए कि अगर आप वो कफ़ करें तो किसी कपड़े में करें हैंक चीफ में करें खुले में कफ़ ना करें और टीबी पेशेंट का रूम अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए और साथ ही साथ टीबी पेशेंट को भी डाइट बहुत अच्छा दीजिए प्रोटीन रिच डाइट दीजिए ऐसे फूड आइटम्स दीजिए जो इम्यूनिटी को बढ़ाए ताकि उनका रिकवरी जल्दी हो तो ये कुछ प्रिकॉशंस आप लोग ले सकते हैं टीबी से बचने के लिए और अगर आपके घर में एक टीबी का पेशेंट ऑलरेडी है और किसी दूसरे फैमिली मेंबर को टीबी का सिम्टम हो होता है तो उनको तुरंत आप हॉस्पिटल ले जाके चेकअप कराइए क्योंकि कभी कभी ये आ, सीजनल फ्लू वगैरह भी होता है लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए तो अगर किसी घर के और दूसरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ सिम्टम होता है कोल्ड फ्लू या फिर कॉफिंग वगैरह या फिर वेट लॉस फीवर नाइट स्वेट्स ये सब सिम्टम्स होता है तो उनका भी इमीडिएटली टी का टेस्ट होना चाहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल अगर आप लोग ये वीडियोज अच्छे लगते हैं हेल्पफुल लगते हैं और हेल्थ कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय